हाँ ट्यूटोरियल दे रहे हो। देखो भाई कभी भी अकड़ नहीं दिखाने का अपने मैडम को, उनको ऐसा फील कराओ भाई, ऐसा फील कराओ कि हाँ भाई आप सर हो हमारे, हम आपसे बहुत डरते हैं, आप मैम हो हमारे, हम बहुत डरते, भले नहीं भी डरते हो बट ऐसा करने का ब्रो रियल में। तो ये गाड़ी का पता नहीं क्या बना रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का भाई बहुत ज़्यादा खास व्लॉग है, पता है क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर का और आज का लास्ट एग्ज़ाम है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अब होने वाला है भाई, बोले तो वो ग्रेजुएशन, मिलेगी डिग्री। ये इतना तो कंफर्म है कि भाई पास हूँ मैं, सब में पास हूँ, आज के पेपर में भी पास ही रहूँगा भाई। वहाँ है, इतना भाग इसलिए रहा है क्योंकि ये देखो 9:13 हो रहे भाई, एग्ज़ाम है 9 बजे का, और 9 से 11 मतलब आखिरी के कुछ मिनट, कुछ घंटे और तो मैं डायरेक्ट मिलता हूँ एग्ज़ाम के बाद, और भाई अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा पूरे 3 साल। तो गाइस फाइनली निकल गए, वो जो बचे हुए थे कुछ घंटे और लास्ट एग्जाम खत्म, और भाई मजबूत चिटिंगी है। कैसी चिटिंगी है भाई? एकदम एक नंबर, फुल्ली फाइनल हो गया, एकदम खत्म हो गया सब, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास इतने को कोई रोक सकता है? बिल्कुल। सिराज भाई, सिराज भाई, सिराज भाई सूत्र दिखाओ, सिराज भाई सूत्र दिखाओ, सिराज भाई। ज्यादा चीटिंग सिराज भाई ने की है, इसके लिए उन्होंने सरवार है, असल में इनकी पेन ड्राइव भी पकड़ा गई थी आज। कट कर दे बोल, खुद पे थी तो नहीं, इस पे आई तो फिर भी ले लिए थे ना उसका, तो कचरे बन गया बात। कैसे वो बचा है इस बात का सबूत मैम और ये सब लोग हैं जो साउथ। आज कौन पकड़ा गया? आज ही कैसे पकड़ा गया? चीटिंग करते साउथ क्या? कौन पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया? और बहस, और बहस भी कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं उसका। समीर कौन कौन पकड़ा गया? मैम मैंने किया हूँ भाई, ये झूठ बोल रहा है, ये तो चीटिंग कर रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं देखा लास्ट में जब मैम बोली अब मुझे आ रहा है, बोल रहे कट कर वीडियो। ये वाली तो कट नहीं होगी, ये वाली तो कट नहीं होगी। निकाल दिखाना, ये वाली कट नहीं होगी, 25 पकड़ के चलते हैं, वाली बंदा वाली नहीं आएगी भाई। आज का भाई एग्जाम था, अब तो एक्सप्लेन कर, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे भाई। बस भाई हो गया, अब आप लोग समझ गए भाई कौन पकड़ा गया था, क्या हो गया था भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था भाई। मैडम अगर स्ट्रिक्ट मैडम नहीं थी, स्ट्रिक्ट मैडम होती ना भाई तो क्या करती सीधा? कॉपी केस, कॉपी केस भाई। अगर कल वाली जो अपनी थी वो दोनों होती ना भाई मैडम, तो आज तो कॉपी केस कर दी थी, बट कोई नहीं भाई, मैम ने चांस दे दिया, अच्छा बच्चा 3 साल जाएगा बच्चे का इसलिए, बट कोई नहीं भाई, अच्छा लगा हमको आज, हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, अच्छा हो पेपर ख़त्म हो गया। और मैं जाते जाते भाई एक बार अपने सारी सर मैडम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ा थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा भाई शिवाले सर को, कि भाई हम लोग बहुत गलती की है भाई, बहुत 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 ज़्यादा गलती की है, फिर भी ना भाई सर ना बिल्कुल भी बस ना कैसा सर भाई, अब गुस्सा रहेगा तो बोलेंगे ही भाई, और अच्छे के लिए ही बोलेंगे, बट उन्होंने भाई अच्छे से समझाया, बोला चलो अब तुम यहाँ से जा रहे हो कहीं दूसरे कॉलेज में जाना तो इस तरीके से मत करना तुम सब बच्चे लोग। उस दिन इंस्ट्रक्शन में बोले थे, बहुत कुछ समझाए, बोले हमारे साथ 3 साल तुम लोग का बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज रही, काफ़ी लोग परेशान भी किए, ऐसा काफ़ी कुछ हुआ, बट कोई नहीं भाई, एक बार मैं जाते जाते जब जिस दिन मैं डिग्री लेने आऊँगा ना भाई, पास हो गया तो पास तो होऊंगा पक्का, उस दिन भाई मैं क्या करूँगा, ये क्या बोलते उसको, अरे उस दिन ये करूँगा यार, सर को जाके ना स्पेशली थैंक यू तुम बोलूँगा भाई विथ चॉकलेट। तो ये है सम्मी द डांसर जो कि बहुत अच्छा डांस करता है। बहुत दिल लग गया, सब रन हो गया, आखिरी पेपर था आज का पेपर, ऐसा क्या हुआ? डीएस का बता, डीएस का। अरे वाइवा में कैसा हुआ? डीएस का बता, डीएस का, डीएस का जान देती हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऐसा हुआ वाइवा में, मैम मेरे से पूछ रही हूँ, मैम को और 5-6 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैम मेरे से पूछ रही है, मैम मेरे से पूछ रही टाइप्स ऑफ क्लाउड बताओ, तो 3 ही टाइप के क्लाउड होते हैं, हाइब्रिड, प्राइवेट और पब्लिक होता है, लेकिन मैं बोला मैम कम्युनिटी क्लाउड भी होता है, उसके बारे में मैं मैम को समझाया। ये क्लाउड नहीं बताया जो एक सर के ऊपर है अपने, वो बताते तो फेल करते, फेल नहीं करते 2 मार्क्स दे देते भाई। मैं पता है क्या किया था, मैं नहीं बताऊंगा भाई क्या किया था भाई, मेरे ऊपर कुछ हो गया तो परसों के पेपर वाले दिन भाई कुछ तो झोल किया था, तो मेरे से ऐसा पूछेगा ना क्या किया था भाई जो प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो मैं बता दूंगा भाई क्या किया था।
अभी भाई हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ना पीछे खड़े, वो देखो वहाँ पर वाघ सर, भाई नाम उनका वाघ सर ने, उनका वाघ है वैसे नाम इनका अशोक है। तो भाई अब हम निकलते हैं सीधा घर पे। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा गया भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। एग्ज़ाम हो गया भाई, सारे थर्ड ईयर पूरे कंप्लीट हो गए इन 3 साल में भाई। अगर गिना जाए ना, गिना जाए गिन के हाउ मैनी डेज मैं प्रेजेंट था इन कॉलेज, तो ब्रो एग्ज़ाम का डेट छोड़ के ना, जितने सब्जेक्ट, जैसे 6 सब्जेक्ट है ना, तो 6 सब्जेक्ट का 6 दिन और प्रैक्टिकल के 6 दिन बोले तो 12, इस बार के 4 प्रैक्टिकल, 12, 4, 16, ऐसे ऐसे गिन के जोड़ोगे ना भाई, तो जितने डेज हो रहे ना, जितने ज़्यादा जितने डेज। राम 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 राम। देख भाई चीटिंग करना ना तो तुरंत उसको PDF कट मारना, मैडम ना कंट्रोल जेड वोड मार के चेक कर रही है। तो ना भाई क्या बोलते हैं उसको, जितने भी दिन थे ना भाई, ये क्या बोलते हैं उसको, भूल गया अरे यार इसको, हाँ जितना भी एग्ज़ाम वगैरह हुआ है ना, बस भाई उतने ही दिन प्रेजेंट हूँ मैं तीनों ईयर में। फर्स्ट ईयर तो मान लो ऑनलाइन निकल गया, फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेम था ना वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, वो भी याद है भाई, उसमें भी अच्छी खासी हुई थी भाई टेस्ट। और फिर थर्ड सेमेस्टर आया सेकेंड ईयर का, उसमें भी अच्छा खासा हुआ। फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छा किया। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में तो फर्स्ट पेपर मेरा इतना बेकार गया था ना वो थेरी का, मुझे तो लगा था आई एम गोइंग टू फेल, बट नो ब्रो नॉट फेल, आई गॉट वन चीटिंग एंड दैट एंड विद द हेल्प ऑफ वन चीटिंग आई राइट सो मैनी आंसर्स एंड कंप्लीटेड माई 10-12 आंसर एंड आई एम पास। मैं भाई पास हो गया उसमें, मुँह देख रही थी तो क्या जवाब देना पड़ता है। तो और ना सिक्स सेम में तो सारे थेरी के एक नंबर गए भाई, सारी थेरी के एक नंबर, 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, और इसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल में भाई सब गया है। देखो मार्क एक भी नहीं है, मैम ने बोला अगर आप कोड और स्टेप लिख देंगे तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको हम 15-20 मार्क्स देकर पास कर देंगे। देखो भाई मैडम सर लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे फेल ना हो, हमारे बच्चे पास हो, उनके 3 साल ख़राब ना हो, KT ना लगे, ऐसा सब काफ़ी सारे रीज़न। आज तो भाई मुझे मेरी मैडम ने PDF ओपन करते हुए देखा तो मैम ऐसा ताने के हिसाब से बोले तुम्हें तो KT लगनी चाहिए, अरे तुम्हें तो तुम्हारे ऊपर तो कॉपी केस होना चाहिए, मतलब ऐसे मजाक में। फिर मैम बोलते ही तुम ये क्या कर रहे हो, बोला मैम कोड लिख रहा हूँ, बोलते कोड कहाँ से आया, बोला मैडम सब लिख लिया मैडम। अब मैम से भाई देखो मैम जानते कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, अगर आप फिर भी आप ज़बरदस्ती वहाँ बोलेंगे नहीं मैं चीटिंग नहीं किया तो इसमें मैम को बुरा लगता है, इसके लिए भाई वहाँ पर रिस्पेक्ट देने का मैम को, हाँ मैम मैं चीटिंग किया इससे निकाला, मैम छोड़ देंगे भाई, इसलिए भाई हाँ ट्यूटोरियल दे रहे हो। देखो भाई कभी भी अकड़ नहीं दिखाने का अपने मैडम को, उनको ऐसा फील कराओ भाई, ऐसा फील कराओ कि हाँ भाई आप सर हो हमारे, हम आपसे बहुत डरते हैं, आप मैम हो हमारे, हम बहुत डरते हैं, भले नहीं भी डरते हो बट ऐसा करने का ब्रो रियल में। तो ये गाड़ी का पता नहीं क्या बना रहा है, क्या बनाया आइडिया नहीं, तो बस भाई ख़त्म, कभी भी अपने टीचर सर से बहस नहीं करने का, बस टाटा। जय श्री राम 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 भाई सारिया ने, तो आप सबका स्वागत है मेरे भाई। अभी देखो हम बैठे हैं अशोकनगर में, और भाई ये सूरज नहीं क्या नाम है इसका, सागर, सागर गाइस बीमार पड़ चुका है, इसको सर्दी हो गई, बदन दर्द हो रहा है, इसका पिछवाड़ टाइट हो गया है, और क्या क्या तकलीफ हुई भाई बता ना जरा, पांच रोग बता जोर से बता, पांच रोग सर दुख रहा है, एक बुखार हुआ है, दो चल नहीं पा रहे, 3 सो रहा है तो नींद नहीं आ रही, 4 चलने वाला नहीं कर रहा है, चल अबे चलने वाला हो गया भाई, पांचवा बता कोई दूसरा, चलने वाला हो गया, चल रहा है मन नहीं कर रहा है, अच्छा चल रहा, अच्छा चल भी नहीं पा रहा है और चल रहा है तो चलने का मन भी नहीं कर रहा है, तो इसका ये आज का 5 रोग है। इसको रोज जब पूछोगे ना हर एक घंटे में इसके 5-5 रोग, 10-10 मिनट में इसके 5 रोग बदलते रहते हैं, आप पूछोगे तो आपको बताएगा ये, मतलब कभी मिलोगे तो सामने से पूछना, मैं तो पूछते रहता हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ इसके सारे रोग सुनकर। तो भाई अभी बेचारा पी रहा है सूप ताकि इसकी थोड़ी सर्दी वगैरह कम हो, कल सोच रहे कहीं लंबा जाने को, फिर आप लोग आ गए अभी कपड़ा लेने, नायलॉन नहीं है, रुक मैं देख के बताता हूँ, नायलॉन नहीं है, किधर है, नायलॉन चाहिए, ये देख लग रहा है,
ये नायलॉन नहीं है, कोई और कपड़ा है, बट अच्छा कपड़ा है, फिसलने वाला है। सागर इस पे बैठ छटक जाएगा, तो घुस जाएगा अंदर सीधा। 200 रुपये का, महंगा नहीं है। तेरे नाप का है बे? तू पूरा आ जाएगा, फंकी। हाँ ये देख इतना इतना, मतलब इतना इतना मेरे हाथ, मेरे तेरा हाथ उठा इतना लंबा इसको ऐसे मुड़ता है। हाँ भाई अपना भाई कटवाया नहीं, पहला पैंट ऐसा जो कटवा के नहीं पहना है भाई। आए हम लोग, आए भाई हम लोग यहाँ पे चड्डा और टी शर्ट लेने नायलॉन का। ये ले, ये मिल गया तेरे को चड्डा, ये ले पार के वेन्यू का चड्डा, पार के वेन्यू का चड्डा है, लेगा? कलर 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 में भी है, कौन सा लेगा? कलर वाला, वो देख सब कलर है भाई। ये देख ये वाला ले ले, ये वाला चड्डा लेना भाई। आया चड्डा वड्डा लेने, ले ले तो फिर अच्छी बात। तो गाइस आज है अंकल और आंटी की 25वीं एनिवर्सरी, क्लैप करो। गाइस करते हैं अभी आज का व्लॉग वीडियो एंड, और आज दिखाना अंकल आंटी का एनिवर्सरी था भाई, 25वां एनिवर्सरी, यानी मतलब 50-100 का आधा, मतलब बोले तो एक पाव वाला एनिवर्सरी, एक पाव था भाई आज। तो अभी तो फिलहाल हम लोग गए थे IGM हॉस्पिटल में, तो वहाँ ऐसा ऐसा सीन हुआ ना, ऐसा ऐसा सीन हुआ कि लाइफ टाइम वो डॉक्टर हमें बोलना, वो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। डेंजरस सिचुएशन में ये आगे आ जाता अपने आप। अरे हाँ यार, डेंजरस सिचुएशन में आगे आ जाता हूँ मैं। हम लोग घुसे अंदर काउंटर में, तो मैम हम तीनों साथ में घुसे, जो पेशेंट था वो बीच में था, एक तरफ वो था एक तरफ मैं था। तो फिर मैडम ने क्वेश्चन किए क्या हुआ है, बोला मैडम सर्दी जुकाम बुखार, वो भी ये भी साथ में बोलने लगा, और जो पेशेंट है वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर मैडम गुस्सा हो गए, क्योंकि हम लोग मजाक मस्ती में बोल रहे थे। मैडम बोलते पेशेंट कौन है, तो मैं पीछे हाथ दिखा रहा हूँ, मैडम ये है और ये हाथ दिखा रहा है मेरी तरफ, और मैं बीच में आ गया। तो मैम बोलती आगे आओ, तो फिर मैं बोला मैडम मैं नहीं हूँ, दूसरा पेशेंट है। और इससे खतरनाक हुआ था जब हम लोग 6 नंबर काउंटर पे गए थे, वहाँ पे कमर नाम का एक पेशेंट है, लड़की थी कमर नाम की, उसका गार्जियन खड़ा था वहाँ पे। तो उससे पूछते हैं मैडम गार्जियन से क्या हुआ, किधर है पेशेंट, क्या हुआ है उसको, वो जगह पे सामने आ गया। तो वहाँ पर ना मैं गार्जियन के साथ दरवाजे में खड़ा था, तो मैम मेरे से पूछते हैं, उससे कम मैम को लगा मैं कमर हुई, पूछते क्या हुआ है, बोला मैडम सर्दी जुकाम बुखार हुआ है सर्दी जुकाम बुखार हुआ है। तो मैम ये रिपोर्ट में कुछ और था भाई, कि सांस उस फूल रही है। तो मैम बोलती उसका मुँह देखने लगी, बोलती तुम कौन हो, कमर हो क्या, बोला नहीं मैडम मैं आदर्श हूँ। मैडम बोलती तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बोला मैडम पेशेंट लाए हो इसलिए। तो पेशेंट कहाँ है, मैम पेशेंट वहाँ है। भाई मैडम एकदम मतलब ना शॉक्ड हो गए, जो बाहर के दूसरे पेशेंट थे और गार्जियन थे ना, वो लोग भी हंसने लगे, हंसते हंसते आँख से पानी वगैरह आ गया भाई। मतलब आज का सीन एक नंबर था। बस भाई जो हमारा पेशेंट था ना भाई, उसको ना पसंद नहीं आ रहा था, मतलब कि वीडियो बनाए, क्योंकि गाँव में देखते हैं तो ऐसा होगा कि घर वालों को टेंशन होगा, इसलिए नहीं बनाने दिया उसने। बाकी भाई मज़ा तो बहुत आया। तो भाई आज का व्लॉग वीडियो एंड कर दे ऐसे ही, आज आकाश के घर ही सो रहे भाई हम लोग, क्योंकि कल सुबह का हमारा कहीं का प्लान है काफ़ी लोगों का, तो जाएंगे कल ऐश करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो, टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम।